सोमवार को मुरादाबाद में उत्तर प्रदेशीय के प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सभी शिक्षकों का कहना था कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए डिजिटल हाजिरी लागू की गई है, जिसे हम विरोध करते हैं। मुरादाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर रैली की शक्ल में पहुंचे सभी शिक्षकों ने जोरदार नारेबाजी की, साथ ही प्रदर्शन किया। एक मांग पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप कर जिसमें ये कहा गया कि मांग पत्र एक सुझाव है जिस पर शिक्षा विभाग को इन सभी समस्याओं पर ध्यान देना है। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में एक बड़ा आंदोलन किया जा सकेगा। आज प्रदर्शन में कई संगठन शिक्षकों के शामिल रहे। सभी ने ये कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम के साथ कई मांगें हमारी लंबित पड़ी हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर कहा जा रहा है विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा नहीं है और ऐसे में शिक्षक यदि 10 से 15 मिनट लेट हो जाएंगे तो उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, वैसे में कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जिला अध्यक्ष कुमार शर्मा ने सिटी चैनल को जानकारी देते हुए कहा कि आज हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद को एक सुझाव पत्र दिया है जिसमें हमने अपनी सभी समस्याएं रखी हैं और उन समस्याओं के समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी हम दे रहे हैं। मामला ये है कि एक प्रदेश से एक अव्यवहारिक आदेश बिना सुविधाओं के ऑनलाइन अटेंडेंस, जहां न कनेक्टिविटी है न साधन है, और एक ऐसा टैबलेट जिसे मार्केट में कोई भी खरीदना पसंद नहीं कर रहा था, उस टैबलेट को 5-7 हज़ार वाले टैबलेट को 34 हज़ार में खरीद कर और शिक्षकों पर चेप दिया गया और वो पोर्टल खुल नहीं रहा, टैबलेट चल भी नहीं रहा है। तमाम शिक्षक हमारा आक्रोशित हुआ, शिक्षकों को बहुत परेशानी हुई। अब शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए, क्योंकि शिक्षक हमारा संगठन का सदस्य है, इसलिए हमारा धर्म बनता है कि हम अपने शिक्षकों के साथ खड़े हों, तन मन धन से हम उनके साथ हैं, किसी के खिलाफ भी कुछ नहीं होने देंगे। आज आपने ज्ञापन दिया है या फिर? हमने देखिए आज ज्ञापन नहीं, आज एक प्रस्ताव दिया है। ब्लॉक कार्य समितियों ने एक प्रस्ताव पास किया समस्त शिक्षकों के सहमति असहमति के आधार पर, समस्त ब्लॉकों में हुआ 11 और 12 तारीख को। उसके बाद कल हमारा द्वितीय चरण का ट्विटर हैंडल पर हमारा बायकॉट अटेंडेंस का हैशटैग चला 2 बजे से 3:30 बजे तक, जिसको हमारे साथियों ने 11,70,000 ट्वीट करके वर्ल्ड में इतिहास रचा। उसके बाद हमारा, हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस हो ताकि आप हमको चोर साबित ना कर सकें, लेकिन जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जो संसाधन हैं, जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उनको आप दूर करिए, हमें कनेक्टिविटी दीजिए, वाईफाई सुविधा दीजिए। फिर अगर 8:05 भी हो गए या 2 मिनट हो गए तो हमारा तो वेतन कट जाएगा। हम मांग कर रहे हैं कि हमें 15.5 CL दे दीजिए, राज्य कर्मचारियों की भांति हमको 31 EL दे दीजिए, तो इसमें तो कोई सरकार का पैसा नहीं लग रहा। 12 सेकंड सैटरडे मांग रहे हैं जो सबको मिलते हैं। हमारी मांग कोई ऐसी नहीं जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। आज ये आप कहाँ पहुँचे हैं और अगला क्या कार्यक्रम? आज हमारा स्टेप था कि हम BSA साहब को, जो जिले के तमाम 7 लाख शिक्षकों की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव को हमने समाहित करते हुए जिले से एक प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को दिया है और हमने अपनी मांगे और जो आर्थिक कठिनाइयां समस्याएं व्यावहारिक आ रही हैं उनको, उनसे संबंधित एक प्रस्ताव सौंपा है और एक नोटिस भी दिया है
कि अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं किया गया, जो व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर नहीं किया गया, तो हम 23 तारीख पर यहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।